रावी रक्षाबंधन की तैयारियों में जुटी थी। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था। राघव जो कि उसका इकलौता भाई था। शादी के बाद रावी की ये पहली रक्षाबंधन थी, तो रावी अपने दोनों बच्चों के साथ रक्षाबंधन वाले दिन अपने मायके को निकल पड़ी। जैसे ही रावी अपने घर पहुंची, राघव आंसुओं से भरी आंखों को पोंछते हुए रावी को कस के गले लगा लेता है। इतने में ही राघव की पत्नी वीना, जो कि रसोई से बाहर निकलते हुए चिल्लाते हुए गुस्से में राघव को कहती है कि एक तो बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही, घर में इतना तनाव भरा माहौल है और रावी को दिखाई नहीं देता, वो बिना सोचे समझे यहाँ चली आती है। ये वार्तालाप रावी पर्दे के पीछे सुन लेती है। उसी वक्त रावी उल्टे पांव अपने ससुराल को लौट आती है और वहाँ जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। राघव बेचारा विवश लाचार था, वो रावी के पक्ष में कुछ ना कह सका। राघव रावी की लाई हुई राखी को चूमकर अपनी कलाई पर बांध लेता है और मन ही मन उससे माफ़ी मांगता है और एक कोने में सिसक सिसक कर रोने लग जाता है। अगली सुबह राघव और रावी दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। वीना जोर से पूरे घर को सर पे उठा लेती है कि वह बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाएगी जब तक उनकी फीस भर नहीं दी जाती। वीना गुस्से में राघव को फ़ोन देते हुए कहती है कि ये देखो स्कूल से फ़ोन आ रहे हैं, अब उन्हें क्या जवाब देंगे। राघव सहमा हुआ फ़ोन उठाता है, तभी फ़ोन से प्रिंसिपल सर की आवाज़ आती है कि बच्चों को आज स्कूल भेज दिया जाए, उनकी फीस जमा हो गई है। रावी, वीना और राघव दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि फीस किसने भरवा दी। राघव वीना बच्चों को लेकर स्कूल छोड़ने को चल पड़े। वहां जाकर उन्हें पता लगा कि रावी फीस जमा करवा कर चली गई है। वीना और राघव पश्चाताप के आंसू लिए रावी के पास राखी बंधवाने जाते हैं। चौखट पर अपने भाई और भाभी को देखकर रावी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रावी अंदर से आरती की थाली लेकर आती है और दोनों को तिलक करती है, उनका स्वागत करती है और प्यार से उनको राखी बांधती है और वीना और राघव भी उसे ढेर सारा प्यार देते हैं। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मेरा आप सभी को समाज में एक यही संदेश देने का तात्पर्य है कि एक बहन या बेटी कुछ लेने की भावना से मायके नहीं आती, बल्कि बहुत कुछ देने आती है। बहन बेटियों को दिया गया स्नेह ही उनके लिए अमूल्य भेंट होती है। अगर एक भाई अपनी बहन को प्यार से उसका सर पलोस दे तो उसके लिए वही एक अमूल्य भेंट होती है। तो इस रक्षाबंधन अपनी बहनों को ढेर सारा प्यार दें और ऐसी संकुचित सोच ना रखें कि वो कुछ लेने की भावना से आती है, बिल्कुल नहीं। धन्यवाद।